थैंक यू शुभम पाजी आने के लिए सर, वो क्या लाइन था, यकीन कर ब्रो एशिया ने मॉडिफाई किया है इसका इंटीरियर बहुत ज़्यादा। पटना के बाहर खड़ा यार, पटना को मैंने बहुत चेंज होते हुए देखा, काफ़ी खूबसूरत लगता है समय के हिसाब से जो चेंज हुआ है इसमें। वंदे भारत अपनी एक नंबर पर खड़ी है, 8 बजे खुलेगी भाई 22348, और पीछे जो दिख रहा है ये हनुमान मंदिर है, काफ़ी खूबसूरत लगता है मुझे यार। क्या सौरभ भाई, बिल्कुल स्टेशन कैसा लगा? बढ़िया लगा, और राजधानी नहीं बच पा रहा था, एटलीस्ट गरीब रथ कोई दिल्ली एक्सटेंड कर दे। माफ़ करना भाई, गरीब रथ अब नहीं चलेगा, वो सब्सिडी ट्रेन है ना इनके हिसाब से, तो वो अब नहीं चलाएंगे। चलो एक नंबर पर खड़ी है। देखो भाई, एक बात तो मैं स्वीकार करता हूँ कि देखने में खूबसूरत तो है ये, और हमारा C2 है, यानी वो C1 C2 काफ़ी सामने है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव है E1 है, उसके बाद फिर C3 C4 C5 C6 C7 तक है। C1 और C7 जो है भाई साहब फ्रंट और लास्ट कोच है, तो इसमें सीट्स कम होता है। मेक इन इंडिया ट्रेन है, प्राउड फील करना चाहिए, पर मैं हमेशा बोलता हूँ इसके पॉलिटिक्स से बचिए, आप ठीक हो गया। ये भी पुराना है, वंदे साधारण पूरा सिंपल ऐसा ही है, कुछ ट्रेन सेट ऐसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। अब सपोज़ यही अगर नॉन एसी होता और पूरा वंदे साधारण का लुक होता तो मैं बहुत खुश होता। इसमें मैंने सुना हूँ कि इस बार इसका इंटीरियर में कुछ चेंजेस किया, देखते हैं। प्रेस रिलीज हुआ था ECR की तरफ से कि इंटीरियर और लाइट में चेंजेस है, C2 अपना कुछ यही है, इसी में चलते हैं। पहले एग्जीक्यूटिव दिखाते हैं आपको कैसा है। ये इसका एग्जीक्यूटिव है, लाइट काफ़ी कम लग रहा है यार मुझे। C60 रोटेटेबल सीट्स है, ऑटोमेटिक गेट ख़राब हो चुका है इसका। वाह क्या बात, पूरा ट्रेन पैक है। फिलहाल इंटीरियर में कुछ माइनर चेंजेस हैं इसमें, मैं देख पा रहा हूँ लाइट आपको काफ़ी कम लग रहा है। LED लाइट है, जस्ट सिंपल वही टच सेंसर वाला, टच करने से काम करता है, जो ऊपर में आपको दिख जाएगा नॉर्मली। देखो भाई, इंटीरियर सब सेम है। ये वाला जो सीट है, आपको जो सीट नंबर पड़ेगा 38 39, उस तरफ में 35 36 37 41 42 40, और इस तरफ में 43 44। इसमें लेगरेस नहीं है, मुझे बहुत बुरा लगता है ये सीट यार, मतलब आपको यहाँ पर लेगरेस नहीं है, बोतल रखने का जगह नहीं, सब कुछ आपको इस पर रखना पड़ेगा, ना ही मैगजीन होल्डर है। तो ये इस जगह पर होना चाहिए ना यार, हमेशा इस जगह पर आ सकते। ठीक है, चार्जिंग सॉकेट नीचे है, आई थिंक टाइप सी नहीं है ना, टाइप सी है क्या भाई? टाइप सी नहीं है भाई, रेलवे टाइप सी हटा दिया इसमें से, पहले टाइप सी था। ऊपर में उस तरफ में वॉशरूम इंडिकेटर, इंटीरियर सेम से। अब देखो भाई, गाड़ी जब डिपार्ट करता है तो वाह, वॉल्यूम बहुत कम है, अदरवाइज ये अनाउंस कर रहे हैं कि भाई साहब गाड़ी डिपार्ट करेगा, आप जो स्टेशन पर उतर जाओ। वहाँ पर बंगाली में भी लिख रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। तो ये जो रीजनल लैंग्वेज वाला झमेला हुआ नहीं होगा। डॉट 8 पे बंद हो गया और गाड़ी 8 पे निकल गया। जो बाकी सब नहीं करते यहाँ पे हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। गाड़ी डिपार्ट करने से पहले LP साहब उधर से हॉकिंग मारे ऑलमोस्ट 30 सेकंड पहले, तो ये है एक चेतावनी टाइप से, उतर जाओ, जो सुन नहीं रहे। यहाँ पे नॉर्मली आपको वेस्टर्न है और एक इंडियन है, यहाँ पे लिखा होता है वैकेंट, अगर ये वैकेंट है तो इतने वैकेंट है, और इंगेज है तो इंगेज लिखा रहेगा, तो धक्का देने से फायदा नहीं होता। डस्टबिन इधर है मैं बताता हूँ, क्योंकि लोग डस्टबिन खोजते हैं और पानी देना वो लोग शुरुआत कर रहे हैं। अभी कुछ तकड़ा एक्सेलरेशन देखने मिलेगा आपको, वो मैं एक्चुअली बताऊँ तो मैं फील कर पा रहा हूँ एक्सेलरेशन यार, तकड़ा एक्सेलरेशन है भाई। तो ये अच्छा है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वंदे भारत का हॉल्ट होना ख़राब नहीं है, वाकई अच्छा चीज़ है भाई, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन अच्छा है, तो हॉल्ट का जो भी टाइम गैप होता नॉर्मली वो मेकअप हो जाएगा। पटना साहब आ गए हैं, आपको मालूम है काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है सिख धर्म के हिसाब से। गुरुद्वारा का नाम याद मुझे तो नहीं आ रहा एक्चुअली, पर यहाँ तो काफ़ी फेमस है वो, और ये यहाँ पे सिर्फ 1-2 मिनट का ही हॉल्ट होगा। हॉल्ट तो आपको टाइम ध्यान से देख रहा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कितना बजे का हॉल्ट है, कितना बजे का हॉल्ट, बस देखा तो बस आ गया भाई, टाइम बुक हो गया।
एलपी साहब पहले ही हॉकिंग मार दिए, बहुत अच्छा लगा। और ये साउंड हुआ तो अब जहाँ कहीं भी हो गेट के पास पहुँच के अंदर आ जाए तो फंस जाएगा, यहाँ आए तो नीचे उतर जाए। हालांकि ब्लिंक नहीं हो रहा था, अब जाके ब्लिंक स्टार्ट हुआ। ठीक है चलो। इस 827 हम लोग को ब्रेकफास्ट मिल गया। एक्चुअली 827 बोलना गलत हो जाएगा, वो पहले मिल गया था ऑलमोस्ट 10 मिनट पहले। यार पैकिंग तो सॉलिड है पर इस बार लॉटरी चौको पैक है यार, ये तो अब मिलता ही नहीं है किसी भी ब्रेकफास्ट। राजधानी में भी जाओ तो नहीं मिलेगा, फर्स्ट एसी में मिल जाएगा, बाकी सेकेंड एसी थर्ड एसी में तो बंद ही हो चुका है। ये जैम बटर है और ये क्या है यार, केओस का दिया मसाला चाय। ठीक है सो कॉफ़ी में बोलेंगे चेंज कर देने के लिए। एक्चुअली केचप दिया है, हैंड सैनिटाइजर एंड डस्ट इट। ठीक है यार, हैंड वाइप भी है, वेट वाइप, सॉल्ट है और ये यहाँ पे स्पून है अच्छे तरीके से। तो प्राइस के हिसाब से ठीक है, 1505 रुपये लगते हैं इसके लिए अगर आप पटना से हावड़ा जा रहे हो तो। अब इसके बाद सीधा लंच मिलेगा, मॉर्निंग की नहीं होता क्योंकि 8 बजे खुला, 8 बजे क्या ही मॉर्निंग की होगा। नॉर्मल आप देख सकते हो, 2 कटलेट है, फ्रेंच फ्राइज है भाई साहब और ये बॉयल्ड वेजिटेबल्स है, काफ़ी अच्छा है। इसमें मुझे एक चीज़ देखा जो मिस है, कोई बात नहीं, बाकी तो बहुत कुछ है। पेपर नहीं है इसमें आप देख सकते हो, जस्ट ये सॉल्ट है और ये स्टीर दिया गया इसके लिए आपको कॉफ़ी के लिए, तो इसको यहाँ रखते हैं। आपको ब्राउन ब्रेड है, फिर टेस्ट करके बताते हैं कैसा है, स्पेशली फ्रेंच फ्राइज छोटा सा है। अच्छा है भाई, बाकी काफ़ी अच्छा बना और बहुत अच्छा, एक्सीलेंट भाई, मज़ा आ गया। टीवी का ये प्रसिद्धि भाई क्या लगता है, कौन से सर भाई, देखा पनीर कटलेट है, कटलेट सॉलिड है, सॉलिड है, मतलब मेरे को लगा नॉनवेज नहीं लिया हूँ, रिग्रेट फील करूँगा, पर नहीं, सॉलिड है भाई, एक नंबर। तो हम लोग मोकामा आ गए हैं और 858 का अराइवल था, 9 का डिपार्चर है और ये रहा मोकामा। सिग्नल लाल है मालूम नहीं क्यों, बेचारा उस लड़के को फाइन लग गया बहुत लंबा वाला, मेमो बना दिया गया उसके ऊपर। देखो यार मैं बोलता हूँ बिहार के लोग के लिए कॉमन है ये कि किसी भी ट्रेन में उठ जाना, पर इसमें मत उठिए बहुत रिस्क है और मतलब बुरा लगता है यार, ये अब आदत छूटेगा नहीं लोग का यहाँ पर क्योंकि बैठ गया ये। लाइट ब्लिंक करेगा इस तरफ में, लाइट आपको दिख जाएगा बाहर में, ये लाइट एग्जैक्ट बॉस, तो ये लाइट अगर जलना स्टार्ट हुआ ब्लिंक करना तो घुस जाइए। और यहाँ पे अच्छा लगा एलपी साहब पहले हॉकिंग दे रहे हैं कि भाई जो है तो रहो, नहीं है तो उतर जाओ, हियर वी गो। अच्छा है, ख़राब नहीं है, 58 मिनट में मुकामा, इज़ नॉट बैड, क्वाइट गुड भाई साहब। गेट बंद, एक और छोटा रिव्यू दूंगा कि ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ फेंक दो सबसे अच्छी चीज़ है, और वॉशरूम का एक छोटा सा वैकेंट है, तो कुछ ऐसा है इसका वॉशरूम। लाइट ठीक है, ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ, देखो यार मॉडर्न ट्रेन है तो भाई वॉशरूम तो सुंदर रहेगा, तारीफ करो इस चीज़ का भाई, मैं भी करता हूँ आप भी करो। हैंड ड्रायर यहाँ पर है, सिर्फ हैंड ड्रायर नहीं एक्चुअली यूवी लाइट भी आपको दिखा होगा पर कर देखा तो। और यहाँ पर बस ऑटोमेटिक था स्टार्टिंग में, अब ऑटोमेटिक नहीं है क्योंकि वो ख़राब हो जा रहा है, और यहाँ पर लिक्विड सोप है और ये आई थिंक ऑटोमेटिक है शायद। अरे जियो,
भाजी अब हाथ धोना पड़ेगा। वैसे ठीक है, बोलना मत कि पानी वेस्ट करा भाई साहब, हाथ धो लिए ऐसी बात है, जर्म्स नहीं रहना चाहिए। देखो और एक चीज़ इसमें जो मैं बहुत नोटिस करता हूँ, जो बहुत कम लोग वो काम करता है भाई, फ्लश करने में क्या जाता है, और ये देखो टॉयलेट सीट जो हमेशा उठा कर रखना चाहिए, ये सब छोटा छोटा चीज़ें जो हम लोग नहीं ध्यान देंगे तो कौन ध्यान देगा यार। ये फ्लश किया आपने टॉयलेट के अंदर, काफ़ी खुला हुआ था, काश 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 काश। सामने वाले लाइन वहाँ पर गया से आ रही है नवादा के रास्ते उतर के, काफ़ी बड़ा बड़ा शहर है। लखीसराय जंक्शन आ गए हैं, 9:20 और 9:22 का, रुक जाइए अराइवल 9:20 पे, 9:22 पे डिपार्चर है। लोग हड़बड़ा गए, सिर्फ बिना गेट खुले ही चला जाएगा जी वो। देखो लखीसराय में एक बार सुसु कल चल जाइएगा ना, बंद हो गया ना, 6,000 फाइन लगेगा, ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है। चलो गेट बंद हो गया। एक चीज़ अच्छा लगा, यहाँ पे कचरा उतार लिया गया, फेंका नहीं गया, काफ़ी अच्छा लगा। चीज़ लखीसराय में बहुत कम ट्रेन रुका करता है, पर यहाँ रुका है, जैसे यहाँ रुका तो क्यूल के लोग भी यहाँ पे चढ़ सकते हैं, सामने ही है, बस ब्रिज पार करना है। और चलते हैं अंदर, आइए भैया। Indian Railways welcomes all passengers boarding from Lakhisarai station. रेल आपकी सुखद एवं आरामदायक यात्रा की कामना करती है। Indian Railways wishes you a happy and comfortable journey. रिक्लाइनर का स्विच जो यहाँ पर है, जो दिख रहा है ना भाई साहब, ये एग्जैक्टली ये इसको प्रेस करना होगा, और ये बहुत मेहनत का काम है एक टाइप से बोल सकते हो, उसके बाद कुछ रिक्लाइनर ऐसा हो जाएगा, और जनरली इसको आप जोर से प्रेस करके रहो तो ये शायद फिर वापस अपने आप आएगा। किसी किसी का आ रहा है, किसी किसी का नहीं आ रहा था, सौरभ भाई का खराब था। मैं बोलता हूँ इससे अच्छा मुझे लीवर लगता है, जो नॉर्मली आपको इसमें शताब्दी में मिलता है, आपने देखा होगा इस तरीके से जो होता है गाड़ी का गियर टाइप का, इस तरीके से होता है वो, काफ़ी ईजी होता है, मैं कहता हूँ कंफर्टेबल होता है काम फिर तो, ये बटन वाला यार। और ये देखो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टेढ़ा है थोड़ा सा, तो नो आपको क्या लगता है, मुझे लग रहा है ये इस तरफ में क्या कुछ जा रहा है। दूसरा चीज़ मैंने देखा है, ट्रेन जब चल रहा है तो अंदर नीचे तरफ में पत्थर छटक रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब 2-3 बार ऐसा नॉइज़ आया पत्थर छटकने का। देखो भाई मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, मैं आपको जब बोर्ड था मुंबई तेजस राजधानी में, ऑफकोर्स मुंबई तेजस कोच में जब था, तो हम लोग के बगल से एक मालगाड़ी जा रहा था, मैंने उसमें दिखाया भी था, तो उसके झटक के पत्थर से कांच टूट गया था। आरपीएफ आया, आरपीएफ आके एफआईआर लॉन्च किया, जो भी फाइल किया स्टोन पेल्टिंग का, तो वो स्टोन पेल्टिंग नहीं था उस जगह पर, तो ऐसा कई चीज़ होता है। हाँ, अब अगर कोई बोलेगा ट्रैक पर पत्थर रखने वाला तो वो गधे लोग हैं, उनके लिए मैं क्या ही बोलूँ, मूर्ख लोग भरे पड़े हैं देश में, तो वही गधे हैं कुछ हैं, कुछ होते हैं जो पत्थर मारते हैं, क्या सोच के मारते हैं मुझे नहीं मालूम, पर कुछ होते हैं गधे ऐसे मेरे हिसाब से, उस सबको मैं बचाव नहीं कर रहा हूँ भाई। क्राउड है पर ठीक ठाक है, बस फिल्टर हो गया कि नॉर्मल सिविलियन की जगह इस बार स्टाफ लोग वोट कर रहे हैं। अब हम लोग जैसे भी पहुँच ज़्यादा कॉलेज स्किप करेंगे भाई साहब।
में झाझा क्रॉस कर सकते हैं कि झाझा बहुत कंप्लीट रुका करता है। जैसे कि मेरे नज़र में एक वीवी है, एक हावड़ा राजधानी जो वाया पटना है, फिर अपना एक हावड़ा दुरंतो है। बस ये मुझे तीन ट्रेन जो लगता है कि नहीं रुकता है, बाकी आप बताइए कौन कौन से रुकता है, कौन कौन से रुकता है। मुझे सिर्फ यही तीन ट्रेन ही याद आ रहा है। तो इसके लिए हमने 1505 रुपये दिया पटना से लेकर हावड़ा तक। इसमें कैटरिंग चार्जेस इंक्लूडेड है, जो खाने का पैसा है नियर अबाउट 370 रुपीज़ समथिंग होगा, लगभग उतना ही होगा। अगर आप खाना नहीं लेते हैं यानी 1505 से 370 हटा के आपको जो बैलेंस होगा वो लगेगा विदाउट फूड। और अगर आप एग्जीक्यूटिव में जाते हैं जो मैंने पहला देखा उसके लिए 2725 रुपये लगेंगे, 2725 बहुत है। और उसका भाई खाना का चार्जेस है नियर अबाउट 415 समथिंग, ऐसे ही कुछ 415 होगा या तो 417 होगा। अगर आप खाना नहीं ले रहे हैं तो उसमें 2725 से 415 हटा दो सर। और ये हल्का फुल्का घाट सेक्शन है, काफ़ी खूबसूरत आप देख सकते हो, कर्व्स काफ़ी अच्छा इस तरह। मैं अगेंस्ट हूँ इनॉग्रेशन का, कितना वंदे भारत मुझे बिल्कुल याद नहीं, तो इंडिया में चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। नंबर ऑफ वंदे भारत बहुत हो चुका है, पर स्टिल मैं अभी भी आपको गारंटी लिख के बोल सकता हूँ, आप एक वंदे भारत दिखा दो जिसके लिए ढोल टासा से इनॉग्रेशन नहीं हुआ। मेरा कहना ये, हर एक इनॉग्रेशन करने में वंदे भारत का 50 लाख रुपया खर्चा होता है। अगर लक बाई चांस मोदी जी पहुँच गए तो 1 करोड़ तक का खर्चा चला जाता है वहाँ पे, तो क्यों वो खर्चा करना है? आप नॉर्मल भी तो ट्रेन चला करती है। आप एक तरफ से कंसेशन सब हटा रहे हैं, सीनियर सिटीजन कंसेशन हट चुका है, बहुत सारा चीज़ें जो हट चुका है। जैसे कि बिहार का मैं बताऊं तो अब आपको स्पेशल किराया लगता है, मतलब आप अगर लोकल ट्रेन से जाते हैं तो नियर अबाउट उसका जो फेयर होता है लोकल भाड़ा नहीं होता है, वो एक्सप्रेस का किराया होता है। एक्सप्रेस का किराया मतलब कैसे, अगर मैं बताऊं तो 5-10 रुपये होता है मिनिमम फेयर, मतलब नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन का, लोकल ट्रेन का वो 30-35 हो जाएगा। तो इस तरीके से किराया पड़ता है, तो वहाँ पे स्पेशल बुल्क अभी भी चल रहा है, नंबर ऑफ वहाँ पे ट्रेन बहुत कम है। तो ये सब चीज मुझे कुछ खटकता है, जो मुझे लगता है वापस से सब होना चाहिए। पूरा ट्रेन ऑलमोस्ट फाका हो जा रहा है जेसीडी में, और टाइम देखो कितना आ रहा है भाई, 10:53 का। बहुत बुकिंग है भाई, बहुत बुकिंग है पटना जेसीडी। अब ये वीडियो देखिए, दुबे जी बोलेंगे हमको ख्याल रखने के लिए। गाड़ी बहुत बिफोर है, आराम से हम लोग उतर के घूम सकते हैं। जसीडी में आपका स्वागत है, GSME कोड है। यार यहाँ पे गाड़ी ऑलमोस्ट 20 मिनट पहले, ऑलमोस्ट 20 नहीं 23-24 मिनट पहले। और आप तो जानते ही हो जसीडी क्यों ज़्यादा फेमस है, देवगढ़ के लिए, बाबा भोलेनाथ का यहाँ पे मंदिर है। बहुत सावन के टाइम पर भीड़ होता है, डिपार्चर यहाँ पे 55 पे है। तो भाई साहब 25 मिनट है, बाहर जाके कुछ खा भी सकते हैं, ऐसा हाल है। इसका जब स्लीपर वर्जन आएगा ना तो मेरे को लगता है कि मज़ा आएगा, मतलब हट के अलग होगा वो एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इसमें देखो बैठ सकते हैं पर उतना लंबा नहीं हो सकता भाई, मैक्सिमम आप 7 घंटा बैठ सकते हो भाई, पर 8 घंटा बहुत मेहनत का काम है। देखो यार क्या होता है, इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस किया, लाइट कम नहीं है, लाइट बंद है, मतलब इलेक्ट्रिक सेविंग हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगा मुझे, ये लाइट देखो यहाँ लाइट है पर स्टिल लाइट ऑफ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरफ का जो लगेज रैक में लाइट लगा हुआ है वो इस तरफ का शायद बंद है, अदरवाइज रात को काफ़ी खूबसूरत लगेगा, इतना तो समझ में आ गया। 6 घंटा में हो सकता था ये मुझे लग रहा है, फील हो रहा है कि 6 घंटा 35 मिनट की जगह 6 घंटा में अगर बहुत 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 टाइम बचता है। Thank you for traveling with Indian Railways. उस तरफ में अभी पूर्वा है भाई, और हम लोग आ चुके हैं जमतारा, भयंकर जमतारा, 44 का अराइवल था, 39 का आ गए, क्वाइट गुड। मेरा जमतारा भाई साहब 44 का अराइवल था, 46 का डिपार्चर। मधुपुर हॉल्ट नहीं है पर जमतारा हॉल्ट अच्छा है, सर्विस मिल रहा है लोग को, और यहाँ से भी अच्छा खासा बोर्डिंग था उस समय देखे थे। वंदे भारत में सबसे मुझे क्या चीज़ ऐसा लगता है, इसका जो गेट है ये दो बोगी के जॉइंट के बीच में, जनरली अगर एलएचबी में देखो तो यहाँ पे वॉशरूम होता है, गेट यहाँ पर होता है, पर यहाँ उल्टा है, ठीक है। जमतारा के लोग को एक ट्रेन मिला वो भी सॉलिड वाला। मैं यही कहूँगा कि अगर आपका टिकट नहीं है तो मत उठिए, अवॉइड कीजिए, किसी ट्रेन में चल जाइए। सुपरफास्ट में आप इसके किराए में 2 टायर में जा सकते हो, फाइन देखिए।
जमतारा जे एम टी, मिलते हैं आपसे आसनसोल में सर, थोड़ा हम भी अब विस्तार से आराम कर पाए। तो हम लोग आसनसोल आ गए हैं क्योंकि बारह अठारह पे डिपार्चर है और टाइम देखो भाई साहब 4 मिनट, अभी 4 मिनट रुकेगा भाई साहब। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि मैंने हेडफोन लगाया पर वाला हेडफोन नहीं दिया यार सोनी वाला, तो इसमें धोखा हो गया। आसनसोल ASN कोड है ठीक है यार। 12:15 पर अराइवल था, 12:18 पे डिपार्चर था। अरे कहाँ जा रहे हो सर, चल रहा आपके साथ ही जा रहे हो। सरप्राइज, ये भाई साहब धोखा दे दिया यार। हम लोग की क्वीन अगर साथ हो तो कैसे भाई, ये क्या बात कर रहे हो। हम लोग का गेट बंद हो गया, चलो भाई साहब आसनसोल से निकल रहे हैं। और शुभम भाई आए यहाँ से आसनसोल में, 3 मिनट का हॉल्ट है और ASN कोड है भाई साहब, दैट्स इट। चलो हम बैठते हैं अंदर। और एक बात तो अच्छा है, वंदे भारत का ना सकल बच जाता है, यानी तो अदरवाइज जो भाई साहब पड़ता है ना धूल गेट टोल प्लेटिंग में, इट्स क्वाइट पैथेटिक। लोग दुर्गापुर से निकल रहे हैं, मैंने वीडियो लिया था पर मैंने रिकॉर्ड बटन प्रेस करना भूल गया, क्या करूं मिस्टेक हो गया था भाई, इसीलिए अंदर से वापस ले रहा हूं। अच्छा बात है, गए थे वहाँ पे, बोला GPS नहीं, बोले आज हम कुछ नहीं करेंगे, GPS बंद रहेगा तो हम चला देंगे। अर्पी साहब 130 मारने में भी डर है। देखो भाई साहब राजमन निकल रहा है, चलो अभी लंच मिलेगा भाई, बस उसके बाद तो कुछ नहीं मिलेगा। लंच देखने के बाद आप भागना चाहो तो भाग सकते हो, आपका इच्छा है। देखना तो भाई हावड़ा तक देखो, वो भी आपके ऊपर है। देख लो भाई 1:12 हो रहा है, अभी जाके हम लोग को लंच मिल गया क्योंकि 2:35 तक हम लोग हावड़ा होंगे, किस्मत अच्छा रहता है। इसको अनबॉक्स करता हूँ, सिंपल है भाई देखो, पर एक बात है कि पैकिंग से अच्छा हो सकता था, ठीक है यार स्कैन कीजिए, प्राइस मिलेगा आपको, हो सकता है कि GT मिल जाए। और आपको शेयर करना होगा कि आपको वंदे भारत बहुत अच्छा लगा, खाना जैसा भी हो आपको सिर्फ अच्छा ट्वीट करना होगा, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा, सब मिलेगा। कतई जहर मिक्स हो गया, रसगुल्ला दिए थे दादा ये बार हमारे। सत्या बोलेगा कि मैंने बोला कि रसगुल्ला। तो खाना कुछ ऐसा है भाई साहब, एटलीस्ट भिंडी का भुजिया देते तो मेरा चांदी चांदी होता, पर मिला नहीं इस बार, ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करेंगे। रसगुल्ला है, दाल है और ये पनीर है जिसमें दाल मिक्स हो चुका है, और ये बचा है बहुत अच्छा लगा ड्राई वेज राइस है, पर अरे नहीं सर ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करेंगे, इसमें जीरा राइस नहीं है। हम इनॉग्रल नहीं करेगा ब्रो, हमको बोल हम पैसा दे के नहीं जाएगा। और ये मिस्सी दोई है और यहाँ परोठा है भाई, दस्ते आदमी नहीं है भाई, सिंगल आदमी भी नहीं है, फिर भी हॉकिंग देखो। जर्नी कंप्लीट रहा, थैंक यू शुभम पाजी आने के लिए। सर वो क्या लाइन था, यकीन कर ब्रो, यकीन कर ब्रो, ACR ने मॉडिफाई किया है इसका इंटीरियर बहुत ज़्यादा।
सिर्फ एक ये लेदर का साइड में हल्का सा लगा है, वो भी इसी से है बस, वो कोई काम का नहीं है। दरवाजे बंद हो रहे हैं, बंद हो रहे भाई, रिटर्न लेके जाएगा। वैसे रिटर्न में क्या भाई, नंबर 22347 यहाँ से खुलेगा आपको भाई दोपहर को 3:50 पे और 10:40 पे आप होंगे पटना बिफोर टाइम। इसमें देना चाहिए ना ब्रेकफास्ट में लिट्टी चोखा यार, पर देता नहीं है लोग। ये मैं सजेशन दे रहा हूँ, रसगुल्ला मिल गया बहुत बहुत शुक्रिया, पर ये मिल जाए तो चांदी चांदी। तो हम लोग आए हैं यहाँ पे लेट, नियर अबाउट 5 मिनट, वो भी आउटर का कमाल। एक चीज़ ब्रो देखे, कोई टिप नहीं मांगा था। हाँ ये कोई भी वीवी नहीं मांगता, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, वीवी में कोई टिप नहीं मांगता है। दोनों में गया, किसी में हमको मांगा, मगर ऐसे शताब्दी में पैसा दे के जाओ ब्रो। चलो भाई लॉग इन करते हैं, मेरे हिसाब से बिहार से मैं बोल सकता हूँ गाड़ी अच्छी है जेएस के मुकाबले, तो भाई ऑफकोर्स अच्छा, पैसा है तो आ जाओ भाई, पैसा बचाना है जेएस में चल जाओ। अगर खाना नहीं भी लोगे भाई तो 1200 तक पड़ जाएगा मोटा मोटी, 1200 हाँ 1200 तक अप्रॉक्स पड़ेगा। कि टाइमिंग बहुत अच्छा है, रिटर्न का भी अच्छा गाड़ी है, रॉस भी बवाल आ रहे। चलो भाई सी यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए एडिशन को सब अखेर बाबा भाई, और सब्सक्राइब करना तो करो भाई, नहीं करना मत करो, मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट हूँ बस। मैं दूसरों का सम्मान करता हूँ, पर अगर कोई सवाल पूछे तो खराब ही नहीं है, मेरा सवाल सिर्फ इनॉग्रेशन से है बस, और किसी से नहीं है। बाकी ट्रेन काफ़ी खूबसूरत है, और एक रिक्वेस्ट रहता है जो गवर्नमेंट कभी सुनेगा नहीं, फिर भी चाहता हूँ कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे इम्प्रूव करे, बस मेरा ये मानना है, क्वांटिटी पे ध्यान ना देखे क्वालिटी देखे बस। वो गेट नहीं खुला, पर ये गेट खुल गया, सॉरी आ जाओ, नहीं तो फाइनल डेस्टिनेशन 6 हो जाएगा।